जा रहा है, 31 को लेकर भी तर्क दिया जा रहा है और 1 को लेकर भी तर्क दिया जा रहा है। आपके हिसाब से 1 तारीख को या 1 नवंबर को क्यों दिवाली की पूजा नहीं करनी चाहिए? और मैं चाहूंगी जो लोग धनतेरस पर खरीदारी करते हैं उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या खास ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें घर लाना चाहिए, और फिर क्योंकि धनतेरस को जो चीज़ें हम लेकर आते हैं उनकी दिवाली पर पूजा करते हैं। देखिए, आपके न्यूज़ चैनल से मैं ये पूरे विश्व को बतलाना चाहता हूँ कि जिस दिन जिसकी उत्पत्ति होती है उसी दिन उसकी बर्थडे मनाया जाता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे गण राक्षस पिशाच कोई भी हो। तो समुद्र मंथन जो है वो श्री मणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज धन धन मंत्री कल्पतरु चंद्र चाप विषवात, ये अमावस्या के दिन माँ का प्रकट हुआ था। और इसमें देवता लोग श्लोक भी बनाया, हालांकि राक्षसों ने तो इतने उनको नशा चढ़ गया था क्योंकि पहला दिन मंथन था और सांप के मुखारबिंद से इतना विष निकला था कि सब राक्षस जो है बेहोश हो गए। उस समय हमारे देवताओं ने श्लोक बनाया, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ऐ महालक्ष्मी, आपको विष्णु भगवान जो सर्वेशा च देवानाम राजा पुरुषोत्तमा, सर्वेशा च क्षेत्रानाम राजा पुरुषोत्तमा, सर्वेशा च मासानाम राजा पुरुषोत्तमा, अर्थात 16 कलाओं से युक्त विष्णु भगवान आपको अंगीकार करें। इसके बाद में हमारे देवताओं ने या उच्च श्रेणी के ऋषियों ने इसको बनाया, हिरण्यवर्णम हरणी सुवर्णम रजतस्य जाम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदो माया वह। अय माँ, इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जन को आप सावा मन चांदी का आप दो, जिससे वो पूजा पाठ में और अपने उपयोग करें। इसके बाद में तीसरा श्लोक बना, हिरण्यवर्णम अद्रा पुरस्कार निपुष्टि सुवर्णा हे ममालनिम सूर्या हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदो माया। ये तो हमारा श्री सूक्त हो गया, खैर अलग बात है, लेकिन हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो कहा है वो अति उत्तम कहा है, क्योंकि हम तंत्र साधना में लीन रहते हैं तो हमारे लिए उसके लिए समय चाहिए और 31 को पूर्ण रूप में समय मिल रहा है। और ये दोनों देखिए, चंद्रमा की गति है बहुत ज्यादा है, सूर्य की गति बहुत कम है, दोनों एक रेखा में आ रहे हैं। तीसरी बात है कि आपको ये जो ये मिल रहा है आपको 52 में भी एक बार हुआ था, 54 में हुआ, 63 में इसी तरह से हुआ था। ये कोई ऐसी बात नहीं कि आज नया होता है, लेकिन विद्वानों ने सोच समझ के, जो हमारे काशी के विद्वान है, चाहे यहाँ पर जो सभी आदमी विद्वत परिषद आपके पास बैठा हुआ है, सभी विद्वान हैं, वो जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि 31 तारीख को ही दिवाली मने, उसमें सारा चीज जो है आपको मिल जाता है, पूजा का समय, तंत्र का समय। और दीपावली किसकी है? रात की पूजा होती है, दिन की पूजा दीपावली की नहीं है। इसमें नक्षत्र मिले उससे कोई मतलब नहीं है, दिन मिलना चाहिए। ये जो है दीपावली जो है वो आराधना की पूजा है, माँ की आराधना की जाती है, ये नक्षत्र का पूजा नहीं है। बहुत से चीज है जो नक्षत्र का पूजा होता है, लेकिन ये जो है ये दीप मालिका जो है माँ की पूजा है, माँ काली की पूजा है। कालिकाम तु कालतीताम कल्याण हृदाश्यम कल्याण जननीतम कल्याणो पूजाम हम विष्णु पद सम्मुते गंगे त्रिपदकामनी धर्म द्रवे विख्याते पाप में हर जहनवी पुष्कधानी तीर्थानी गंगा दासा आगछन तु पवित्राणी दीप मालिका काले सलाम। ये है दीप मालिका, इसलिए हमारे 31 तारीख को जो विद्वान बोल रहे हैं वही सत्य है। हालांकि इसमें सत्य सती 5 दिन का त्यौहार है, आप किसी दिन मनाइए, लेकिन 31 तारीख को ही असली दीपावली है। और पूरे मैं आपके स्टूडियो से ये घोषणा हम लोग सभी विद्वान कर रहे हैं कि 31 तारीख को ही दीपावली मनाया जाए। और आपने तर्क भी दे दिया क्योंकि ये जो पूजा है वो रात की पूजा है, माता की आराधना जो है वो रात को की जाती है, इसलिए 31 को ही दिवाली मननी चाहिए। डॉक्टर मधु कोटिया हमारे साथ है, टैरो कार्ड रीडर हैं आप। डॉक्टर मधु कोटिया,
टैरो के अगर हम अकॉर्डिंग समझे तो किस तरह से पूजा होनी चाहिए, आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं दिवाली को लेकर? देखिए, दिवाली एक खुशी का त्यौहार है। आप लोग 31 और 1 बोल रहे हैं, दोनों दिन भी मना सकते हैं, लेकिन जैसा कि अभी आचार्य जी ने बोला भी कि रात्रि की पूजा होती है, तो पूजा तो 31 को करनी चाहिए, ये कार्ड्स में भी क्लियर आ रहा है और जितने भी डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं उनमें भी क्लियर आ रहा है। तो 31 की पूजा करें और दो दिन दिवाली मनाइए, खुशी का त्यौहार है, दो दिन खुश रहिए, क्या दिक्कत है जी। उपन्यु जी भी हमारे साथ हैं। उपन्यु जी, आपके अकॉर्डिंग क्या 31 को दिवाली है, और जिस हिसाब से बताया हमें स्वामी दयानंद जी ने भी, वो अगर हम समझे किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और साथ ही मैं चाहूँगी कि आप धनतेरस के बारे में भी बताइए और छोटी दिवाली पर भी किन बातों का लोग ख्याल रखें, किस तरह से पूजा करें, धनतेरस को लेकर भी लोग घरों में पूजा करते हैं। देखिए, धर्म और ज्योतिष ये दोनों जुड़ी हुई जरूर हैं लेकिन अलग अलग हैं। अभी अभी दयानंद जी ने एक बात कही कि नक्षत्र उनको मत देखो, ठीक बात है ना, लेकिन जहाँ ज्योतिष की बात कह रहे हैं तो अमावस जो है वो शाम को लग रही है 31 को, अमावस में और दूसरे दिन लग रही है, तो तिथि वो अच्छी मानी जाती है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों हो। तो 1 तारीख को सूर्योदय भी उसमें है और उसमें, बाकी आपके ऊपर है आप क्या मना रहे हैं, आपकी आस्था के ऊपर है। धर्म अलग चीज़ है, धर्म और इन दोनों को चलता साथ साथ है, नक्षत्र देखेंगे, तिथि देखेंगे, वार देखेंगे, कर्ण देखेंगे, योग देखेंगे, ये सब पांचों चीज का एक पंचांग होता है। तो उस पंचांग की दृष्टि के हिसाब से जो अब मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं धर्म की बात नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सा ज्योतिष की बात कर रहा हूँ, कि उसके हिसाब से अमावस जो है पूरी तरीके से 1 तारीख को है। आप कब मना रहे हैं, आप पांचों दिन मनाइए। जैसे आपने कहा कि नहीं 5 दिन का त्यौहार है, ये बहुत बड़ा चालू होता है धनतेरस से, फिर 14 होता है, फिर दिवाली होती है, फिर गोवर्धन होता है, फिर भाई दूज होता है, ये पांचों चीज़ें मिलके चलता है, ये एक बहुत अच्छा वो है, कोई दो राय नहीं। तो इसमें आपस में हम लोगों को बहस नहीं करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। ज्योतिष के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से 1 तारीख को ही दिवाली है, क्योंकि उसमें सूर्यास्त, भाई देखिए एक सूर्य सिद्धांत होता है ज्योतिष साइंस, एक लूनर सिद्धांत होता है चंद्रमा का सिद्धांत, दो और हम लोगों को दोनों लेके चलना चाहते हैं पड़ता है, क्योंकि कुछ पूजाएं हमारी चंद्रमा से होती हैं, कुछ पूजाएं हमारी सूर्य से देखो होते हैं। अभी सूर्य छठ पड़ेगी, वो सूर्य को ही सारा सूर्य सिद्धांत से है। तो ज्योतिष में ये दोनों चीजें देखना, समन्वय करना पड़ेगा इस बात को कि हमको किस टाइम पूरा मिल रहा है। सूर्य अस्त भी हमको मिल रहा है 1 तारीख को, और सूर्य उदय भी 1 तारीख को अमावस में मिल रहा है। बाकी आपकी मर्जी है, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, किसी को नहीं कर रहे कि आप कब मंगाएं, आपकी उसमें अच्छा है। दूसरी बात, अभी आप कह रहे हैं लग्न, तो मैं बताऊं ज्योतिष में जहां जहां जिसके 12 राशियां हैं सबके पूजा करने की अपना अपना होता है, कौन लग्न स्थिर लग्न चर में है, कौन स्थिर में है, कौन दुष्भाव लग्न में है, उनकी अपनी अपनी, लोग नाम से नहीं पूछते। कोई दुकानदार मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि भाई हमें पूजा कब करनी है, हम अब उसको उसके नाम और उसके हिसाब से पर्टिकुलर करेंगे, तुम्हारी पूजा 7 बजे की है। दूसरा आया, उसको बता दिया नहीं तुम्हारा नाम यह है, तुम्हारे ये है, तुम्हारे लिए चर लग्न अच्छी लगेगी, तुम्हारी स्थिर लग्न है, तुम्हारी वो, ज्योतिष को इससे आप मिलाइए नहीं। यहाँ आस्था और विश्वास है, एक चीज आस्था और विश्वास, तो आस्था विश्वास हमारा है धर्म में, धार्मिक चीजें हैं, लक्ष्मी जी का वो है, प्यार से मनाइए, आप दोनों दिन मनाइए। और कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार दूसरे दिन नहीं होती, तो 1 दिन का हम लोग देहाती हिसाब में अंझा कह देते हैं कि तो वही 1 तारीख अंझा है। ठीक है, ऋतु जी अभी कह रही थी, मेरे से बात हुई जी, कि कहने लगे कि नहीं प्रतिपदा को, नहीं प्रतिपदा को ही सबसे ज्यादा पूजा होती है, प्रतिपदा को कोई नया कार्य नहीं होता, कोई ऐसा कार्य नहीं होता, लेकिन पूजा प्रतिपदा को खूब की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं प्रतिपदा को पूजा करने के लिए, कि प्रतिपदा को पूरे दिन आप भगवान के नाम से छोड़ दीजिए, क्योंकि वो अंजा है, कोई मतलब नहीं,
वो पूरा दिन ही भगवान के नाम से छोड़ दीजिए और खूब पूजा कीजिए और आपको उसका फल मिलेगा। कहीं से कहीं कोई भी ये नहीं है कि हम प्रतिपदा को